नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज इंडिया और मैं हूं राखी रॉय। ये दास्तान है एक बड़े ही मस्त मौला कलाकार की, नाम जिनका किशोर कुमार। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 में हुआ था, वो भी एक बंगाली परिवार में, जगाती खंडवा जो अब मध्य प्रदेश में है। इनके जन्म का नाम रखा गया था आभास कुमार गांगुली। इनके पिता कुंजालाल गांगुली गंगोपाध्याय एक वकील थे और इनकी मां गौरी देवी बंगाल के एक बड़े ही नामी परिवार से आई थी। कुंजालाल गंगोपाध्याय को बुलाया गया था कामा कृष्णधर गोखले के द्वारा। कामा कृष्णधर गोखले के परिवार ने कुंजालाल गंगोपाध्याय को बुलाया था खंडवा में और ये कहा था कि आप हमारे लिए वकील बने। चार भाई बहनों में किशोर कुमार सबसे छोटे थे, बड़े भैया अशोक कुमार, फिर सती देवी और फिर अनूप कुमार। अभी किशोर कुमार बहुत छोटे ही थे कि इनके बड़े भाई दादा मुनि, बोले तो अशोक कुमार, एक्टर बन चुके थे। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि बचपन में उनका गला हमेशा खराब रहता था, बड़ा ही कर्कश स्वर इनके गले से निकलता, लेकिन एक दिन इनकी उंगली कट गई जिससे खून बहने लगा। उस जमाने में पेन किलर्स भी बड़े कमजोर हुआ करते थे, जब भी दवाई लगती तो किशोर कुमार बहुत रोते और इसी तरह रोते रोते उनका गला साफ हो गया, गले की खराश बिल्कुल निकल गई और फिर क्या सुरीला स्वर निकला, ये तो हम सभी जानते हैं। नाच मेरी जान फाथा फाथा फाथ, नाच मेरी जान फाथा फाथा फाथ, बात मेरी मान फाथा फाथा फाथ, बात मेरी मान फाथा फाथ। ये जमाना ये तराना नया फाथा फाथ, ये जमाना ये तराना नया फाथा फाथ, नाच मेरी जान। किशोर कुमार अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे और गायक बनना चाहते थे। बचपन से ही वो KL सहगल से बड़े प्रभावित हुए थे। अशोक कुमार ने चाहा कि उनका छोटा भाई किशोर भी फिल्मों में आए और एक्टर बने, इसलिए आभास कुमार से नाम बदल दिया गया और किशोर कुमार रख दिया गया। फिल्म जिद्दी में हेमचंद्र प्रकाश ने किशोर कुमार को प्लेबैक सिंगिंग का मौका भी दिया। गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। काफी लंबा समय इसी जद्दोजहन में गुजर गया कि किशोर कुमार एक्टर हैं या डायरेक्टर, सिंगर हैं या लिरिक राइटर। हालांकि किशोर कुमार का मन एक्टिंग में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन अपने बड़े भाई के दबाव में वे एक्टिंग करते रहे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब महान गायक मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। किशोर कुमार ने विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों के फिल्मों में काम किया, जैसे नौकरी और मुसाफिर, फिर नया अंदाज, भागम भाग, भाई भाई, आशा और चलती का नाम गाड़ी तो बहुत मशहूर हुई। इन फिल्मों में इनके गाने भी रहा करते थे और इनकी एक्टिंग भी। बहुत से ऐसे संगीतकार थे जो किशोर कुमार को प्रॉपर सिंगर नहीं मानते थे, वे कहते थे कि वो तो नौटंकीबाज है, सिर्फ हंगामा ही करता रहता है। और ये वो दौर था जब दौलत महमूद, मुखर्जी, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, इन सब गायकों का नाम बहुत ऊँचा था। किशोर कुमार की फिल्म हाफ टिकट भी लोगों को याद रही और उसमें गाया हुआ वो गाना जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों इन्होंने ही निभाए थे, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया, ओए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया, ओए, ओए, ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया। किशोर कुमार के जीवन में महान संगीतकार ST बर्मन का बड़ा योगदान रहा। पहले ही मुलाकात में किशोर कुमार ने दादा बर्मन की आवाज में ही दादा बर्मन को गाना सुना दिया, बस वो तो एकदम हैरान रह गए। उसके बाद ST बर्मन और देवानंद का कॉम्बिनेशन इन्हें मिलता रहा और फिल्म गाइड का गाया हुआ यह गाना गाता रहे मेरा दिल गहरा असर छोड़ गया। तब किशोर दा ने कहा कि अब तो ये दिल सिर्फ गाएगा और एक्टिंग की दुकान पर इन्होंने कुछ वक्त के लिए ताला लगा दिया। फिल्म आराधना ने अगर राजेश खन्ना को एक सुपरस्टार बनाया तो किशोर कुमार की गायकी का भी लोग लोहा मानने लगे। बस फिर तो राजेश खन्ना हो या अमिताभ बच्चन हो या फिर ऋषि कपूर, सभी सुपरस्टार के लिए किशोर कुमार की आवाज का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। RD बर्मन हो या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी हो या कल्याण जी आनंद जी हो, सभी किशोर कुमार की आवाज के ऐसे दीवाने हुए कि तकरीबन हर दूसरे फिल्म में किशोर कुमार के ही बहुत सारे गाने हुआ करते थे। तो
नहीं दिल जोड़ दे, टूटे तो दिल तोड़ जाते हैं ये, जुड़कर कहीं दिल जोड़ दे, टूटे तो दिल तोड़ जाते हैं ये फूल बनकर है खिलते कहीं, कहीं दिल में कांटे चुभाते हैं ये। किशोर कुमार ने बतौर डायरेक्टर भी काम किया। दूर वादियों में कहीं, चलती का नाम जिंदगी, दूर का राही, शाबाश डैडी, कुछ फिल्में कंप्लीट हुई तो कुछ फिल्में नहीं। दूर गगन की छांव में इस फिल्म को कौन भूल सकता है। किशोर कुमार जितने मजाकिया हंगामा खेज कलाकार थे उतने ही संजीदा भी, उनकी सिक्स सेंस भी कमाल की थी। तलाश कर ही लिया आपने, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अजी तकलीफ कैसी, पोस्ट ऑफिस से पता पूछा और सीधा यहाँ चला आया। ओ ऐसे। चाय पियेंगे? अजी चाय तो मैं रोज ही पीता हूँ। तो कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? खाना भी मैं रोज ही खाता हूँ, बस इतना अर्ज करने आया था कि कल रात आपका नाच कयामत का था। इंसान तो इंसान, कुर्सियों के दिल धड़क रहे थे, ऐसा मालूम होता था जैसे आर्ट आपका रूप बदल कर स्टेज पर आ गया है। महान सत्यजीत रे जब पाथर पंचाली का निर्माण कर रहे थे तब उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। किशोर कुमार ने 5,000 रुपए तो उनको दे दिए, पर वो सत्यजीत रे ने उन्हें वापस भी दे दिया। बट किशोर कुमार जो हैं वो हमेशा उनको याद दिलाते रहते थे, मैंने आपकी मदद की थी ना। फिल्म पाथर पंचाली की मेकिंग किशोर कुमार ने शूट की थी, पर अफसोस कि वो वीडियो कैसेट अब खो गई है। लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ किशोर कुमार के डुएट्स बहुत पसंद किए गए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे धीमे गाना हो या तेज रफ्तार का, होश जो दिलियो तो खुद भी बहक जाइयो, आज रपट आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। हर अंदाज में किशोर कुमार ही किशोर कुमार छाए हुए थे। किशोर कुमार के निजी जीवन की ओर रुक करें तो पता चलता है कि बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी रुमा गुहा ठाकुर से। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ, नाम रखा गया अमित कुमार। ये शादी ज्यादा लंबी चली नहीं, 7-8 वर्ष की शादी टूट गई। इनका दूसरा विवाह हुआ बड़ी ही चुलबुली निहायत ही खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला से। ऐसा भी माना गया कि मधुबाला उन दिनों दिलीप कुमार के प्रेम में थी। जब वह प्रेम संबंध टूटा तो उन्हें किसी का सहारा चाहिए था। किशोर कुमार भी उस वक्त तलाक के दौर से गुजर रहे थे, इसलिए इन दो बेसहारों को एक दूसरे के दिल का सहारा मिला और इन दोनों ने शादी कर ली। किशोरदा को बताया गया था कि मधुबाला को दिल की बीमारी है, हो सकता है ये ज्यादा लंबा ना जिए। मधुबाला के वालिद ने यह भी कहा था कि पहले इसका इलाज हो जाने दो, फिर शादी करेंगे। पर किशोरदा ने कहा कि पहले शादी होगी और फिर मैं इसे विदेश ले जाऊंगा इलाज के लिए। पर मधुबाला की गिरती हालत किशोरदा को अच्छी ना लगी। धीरे धीरे वक्त बीता और मधुबाला जी की मृत्यु हो गई। सर क्या है? मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्यों, एक ही दिन में क्या हुआ? कोई खास बात नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, हल्का हल्का बुखार रहता है। बुखार रहता है तो मुझसे दवाई लो, कुछ दिन आराम करो। नहीं सर, मुझसे नौकरी नहीं। किशोर कुमार के जीवन में बेहद अकेलापन था और तब इनके जीवन में आई अभिनेत्री योगिता बाली। 2 साल इनकी शादी जरूर चली पर फिर ये शादी भी टूट गई। और फिर इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री लीना चंदावर से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लीना चंदावर को उनके दोस्त संजीव कुमार ने मना किया था कि देखो किशोर कुमार से ज़्यादा बातें मत करना और बात करो तो सीधा राखी बांध देना। तो लीना जी ने पूछा था ऐसा क्यों, तब संजीव कुमार ने कहा था कि शादी कर बैठोगे उनसे, और ठीक वैसा हुआ भी। किशोर कुमार अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए भी बड़े मशहूर रहे। प्रोड्यूसर तलवार के पास उनके कुछ पैसे बकाया थे,
पेमेंट ना होने की सूरत में किशोर कुमार अक्सर उनके घर के सामने जाते और कहते, ए तलवार दे दे मेरे 8,000, और शर्मिंदा होकर तलवार साहब को इनके पैसे चुकाने ही पड़े। जीवन में अकेले थे और इनके दोस्त थे अमृतांजन, हरि निरंजन और फटाफट। अब आप सोचेंगे कि ये कौन है। ये वो तीन पेड़ हैं जो इनके बंगले में थे, जिनसे ये अक्सर बातें किया करते थे। ये बातें भी इसलिए मशहूर हो गई क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल कर लिया था कि आप तो बड़े अकेले रहते हैं, किसी पार्टी में भी नहीं जाते। और तब किशोरदा ने कहा था कि पार्टी में तो मैं जाता हूँ, और वो पार्टी मेरे घर के आंगन में ही होती है। सामने ये पेड़ देख रही हो, इन्हीं से मैं बातें किया करता हूँ। चौथी शादी से किशोर कुमार को एक बेटा हुआ, नाम रखा गया सुमित कुमार। किशोर कुमार की दिल की बीमारी बढ़ती जा रही थी और इनके गाने भी जबरदस्त तरीके से हिट हुए जा रहे थे। इनका बेटा अमित कुमार भी जबरदस्त प्लेबैक सिंगर बन गया था। पर ये कोई नहीं जानता था कि किशोर कुमार के जीवन में जब प्यार और खुशी आ गई है, तब उन्हें ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। किशोर कुमार ने 13 अक्टूबर को एक खास पार्टी रखी थी। 13 अक्टूबर अशोक कुमार का जन्मदिन होता था। ये एक सरप्राइज पार्टी थी अपने बड़े भाई के लिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे थे, और तब ये कोई नहीं जानता था कि किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ चुका है और वो ये दुनिया छोड़ चल बसे हैं। इनके आखिरी लम्हों में जब इनकी बीवी ने इनसे कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर आएगा तो सचमुच मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊँगा। पर ऐसा नहीं हुआ। किशोरदा गुजर गए और उसके बाद इनके बड़े भाई ने जिंदगी में कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। 13 अक्टूबर सन 1987 वो दिन बनकर आया जब ये महान गायक, हरफन मौला कलाकार, ये दुनिया छोड़ चल बसा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री किशोर कुमार के बगैर हमेशा अधूरी जानी जाएगी। उसे संपूर्ण करने वाले कलाकारों में से एक हैं किशोर कुमार। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।